क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो डाइमराइजेशन। ठीक है, इन सभी कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड डाइमराइजेशन रिएक्शन को शो करेगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हमेशा दिमाग में रखें कि जो साइक्लिक कंपाउंड है और जिन साइक्लिक कंपाउंड में एंटी एरोमेटिक करेक्टर आ जाता है, एंटी एरोमेटिक करेक्टर वाले कंपाउंड हाईली क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये शो करते हैं डाइमराइजेशन, शो करते हैं डाइमराइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, ये रीजन रहता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इनमें सभी कंपाउंड में एंटी एरोमेटिक करेक्टर केस में वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एंटी एरोमेटिक करेक्टर के लिए कौन सी कंडीशन है, या तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन हो, ये कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या है, वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ईच एटम प्रेजेंट इन द रिंग शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज, ताकि वो रिंग आपका प्लानर हो जाए, वहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस अच्छा सा हो सके। ठीक है, ये कंडीशन होगा तो एंटी एरोमेटिक करेक्टर होगा, उसी का डाइमराइजेशन होगा। अब देखिए ध्यान देंगे केयरफुली, यहाँ पे अगर आप देखें ये जो आपका ए डला है, क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। साइक्लिक रिंग में सबसे पहले आपको चेक करना है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो डबल ए सिंगल देन सिंगल, यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो कौन सा करेक्टर हो गया, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो नॉन प्लानर शेप हो गया, तो नॉन एरोमेटिक करेक्टर आ जाता है। ठीक है, बी में अगर आप देखें साइक्लिक रिंग है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, ईच कार्बन इज व्हाट sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि ईच कार्बन इज फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ईच कार्बन विल बी sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड, हर एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2, तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। लीजिए ये डला है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या इसमें एंटी एरोमेटिक करेक्टर होगा, ऑफ कोर्स होगा, एंटी एरोमेटिक करेक्टर लीजिए आ गया। तो जिसमें एंटी एरोमेटिक करेक्टर होता है तो उसका होता है डाइमराइजेशन। ठीक है, अच्छा ये तो बेंजीन रिंग है, तो इसमें कौन सा करेक्टर है, एरोमेटिक करेक्टर। ये दो बेंजीन रिंग डली हुए तो दोनों में एरोमेटिक करेक्टर, ओवरऑल रिंग में भी एरोमेटिक करेक्टर होगा, हाईली स्टेबलाइज सिस्टम। अच्छा जो ये आपका एंटी एरोमेटिक करेक्टर वाला कंपाउंड होता है तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो होता क्या है, मैं रिएक्शन आपको शो कर देता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि एक रिंग ये डला हुआ, एक रिंग ये डला है, ठीक है, और दूसरा रिंग मैं साथ में लिख देता हूँ, ये आपका दूसरा रिंग हो गया, ये दूसरा रिंग हो गया। तो दोनों में होता क्या है कि एंटी एरोमेटिक करेक्टर होता है, जिसकी वजह से ये सिस्टम हाईली अनस्टेबलाइज होता है, हाईली अनस्टेबलाइज। तो ये क्या करते हैं कि एक एक जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक कर लेते हैं, ये आपका ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, फ्री रेडिकल के थ्रू बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, और एज ए रिजल्ट ये डॉट डॉट इससे कनेक्ट हो गया, ये डॉट डॉट इससे कनेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिंग आ गया, फिर इसके बाद में ये बॉन्ड बना, फिर इसके बाद में ये रिंग आ गया, ये आपका कुछ ऐसे बनता है। बोलिए यहाँ पे कौन सा करेक्टर आ गया, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो पहले था ये आपका एंटी एरोमेटिक, और जब इसने डाइमराइजेशन शो किया, मतलब डाइमराइजेशन का मतलब क्या है कि इसी सेम टाइप के जो दो मॉलिक्यूल हैं कंडेंस होकर के एक दूसरे ये लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक करेक्टर का या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक करेक्टर के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है, ये दिमाग में रखें। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो गया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बोल सकते हैं बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।